बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में नगर निगम अध्यक्ष को लेकर निर्वाचन हुआ। यहां सुबह से ही सभी वार्ड पार्षद मतदान करने के लिए पहुंचे, जहां पर मतदान होने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निर्वाचित कांग्रेस की अनीता अमर यादव को 25 वोट मिलने पर विजय घोषित किया। आपको बता दें कि यहां पर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुबह से ही कांग्रेस, भाजपा व निर्दलीय पार्षद पहुंचना शुरू हो गए थे। भाजपा अपने सभी पार्षदों को बस में बैठाकर मतदान कराने के लिए लेकर पहुंची। यहां पर भाजपा की ओर से कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया, तो वहीं कांग्रेस के पार्षद भी बस में बैठकर मतदान केंद्र पहुंची। यहां पर विधायक ठाकुर सुरेन सिंह, जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन सहित कांग्रेस प्रभारी के नेतृत्व में सभी पार्षद मतदान केंद्र पहुंचे और यहां पर पहुंचकर मतदान किया, जिनमें एक वोट से कांग्रेस की अनीता अमर यादव ने जीत हासिल की, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रवीण सिंह अनीता अमर यादव को प्रमाण पत्र दिया। भाजपा ने धनराज महाजन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, तो वहीं कांग्रेस ने अनीता अमर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। यहां पर अनीता अमर यादव को 25 वोट मिले, तो वहीं धनराज महाजन को 24 वोट मिले। एक वोट से अनीता अमर यादव ने भाजपा के धनराज महाजन को पराजित किया। अनीता अमर यादव के निर्वाचन होने के बाद बाहर समर्थकों द्वारा अमर यादव का पुष्पमाला से स्वागत कर आतिशबाजी का जश्न मनाया। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए और सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। निर्वाचित हुए अध्यक्ष पति ने जनता के हित में कार्य करने की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। और अध्यक्ष की क्या कहना चाहूँगा? बधाई देना चाहता हूँ बुरहानपुर के सभी जनता को, एक एक व्यक्ति को जिन्होंने कांग्रेस के विचारधारा को इज्जत दिए, मान सम्मान दिया है, और सभी पार्षदगण को उनकी काबिलियत को, इतनी ईमानदारी को, कि उन्होंने साथ होकर इकट्ठा होकर कांग्रेस को मजबूत किया और यहाँ से कांग्रेस की जीत का श्री गणेश। आज नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव को लेके सभी पार्षदों, नगर निगम के लोगों ने मतदान किया और मेरी पत्नी को विजय बनाया। मैं पूरे शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो बुरहानपुर में विकास की गंगा बहाना है, हम सब मिलके पार्षद अध्यक्ष महापौर मिलके गंगा बहाएंगे और जो शहर में गरीब लोगों का काम नहीं हुआ है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। भाई साहब, आप पुराने पार्षद हैं और नगर निगम को सबसे बड़ी विकास की एजेंसी माना जाता है। पिछले 5 सालों में हम देखें तो आप खुद इसका विरोध कर रहे थे कि बैठक ही नहीं हो रही है। अब जबकि आपकी वाइफ अध्यक्ष बनी है, तो क्या माने कम से कम कितने दिन में परिषद की बैठक होगी? बिल्कुल नगर निगम के हित में मीटिंग बुलाई जाएगी और उसका कोरम, उसके माध्यम से मीटिंग बुलाई जाएगी। और मीटिंग के अलावा भी हम पार्षदों को ऐसे मिल के सारे काम करने के लिए, विकास के लिए सब सहयोग करेंगे, और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े विकास के लिए। हम प्रतिबंधित हैं, लोगों ने हमें जिताया, हमारे पार्षद भाइयों ने जिताया और जनता ने निगम में हमको इसलिए भेजा है कि शहर के विकास में भी उनकी समस्या, दुख, तकलीफ को समझने के लिए भेजा है। महापौर चुनाव में जनादेश कांग्रेस को दिया था, बाकी भाजपा की बी टीम ने जो पद को हथियाया भाजपा ने, तो वो जनादेश कांग्रेस का था। और आज पार्षद गणों ने हमारे शहर के ये सिद्ध कर दिया कि बुरहानपुर जो है नगर निगम कांग्रेस की, और जनपद का अपने नगर निगम का अध्यक्ष जो हमने बनाया है, ये बुरहानपुर की जनता की जीत है और बुरहानपुर के पार्षदों की जीत है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।